आज की वीडियो में संदीप चौधरी की बात करते हैं। जहां एक तरफ देश में एंकर सरकार के बचाव में खड़े दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ संदीप चौधरी अपनी डिबेट के जरिए सरकार के नेताओं को जनता के मुद्दों पर फटकार भी लगा देते हैं। न्यूज 24 पर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने सवाल बीजेपी के नेता से किया, जिस पर वह सरकार की तारीफ करने लगी तो संदीप ने उन्हें टोक दिया और सवालों का सही जवाब देने को कहा। कि फैक्ट्रियां कारखाने वो लगभग ठप पड़े हैं इस वक्त, या मैं बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूँ, आंकड़े तो इस बात की गवाही दे रहे हैं। हमें ये समझना है कि ये स्थिति जो भारत की है वो शायद टेम्पररी हो सकती है। आते हुए दिन में जो सुपर पावर भारत होगा और है, ये आप और हम हैं, हम शायद अलग दिन पे चर्चा उसके बारे में भी करें। नहीं, मैं क्यों नहीं चाहूंगा मेरा देश सुपर पावर बने। मैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों, हमारी 50 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए। पर जो आंकड़े आते हैं हम मुतमईन होकर नहीं बैठ सकते ना। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि सप्लाई बॉटलनेक्स इतनी है, आपने कहा कि इनफॉर्मल सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन यहाँ नौकरी पेशा लोग 68 लाख लोग नौकरी से बाहर निकाल दिए जाए और 1,12,00,000 लोग दिहाड़ी मजदूर बने या छोटे मोटे खोमचे लगाएं, इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। सोचना तो एक बात है, लेकिन एक्शन भी लेंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हुई डिबेट में संदीप ने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल किया, जवाब में वह सरकार की नीतियों की तारीफ करने लगे, तभी संदीप ने उन्हें उन्हीं की बातें पकड़ खेल लिया। प्रकाश बाबू, 7 साल में नहीं बन पाया। 2011 में प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वैधानिक दर्जे की बात की, तो बीजेपी ने कुछ काम किया होगा ना कि वैधानिक दर्जा कैसे दिया जाएगा, या कोई काम नहीं किया 7 साल इस बारे में? संदीप जी, डेटा सामने है, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। 7 सालों में जो काम हुआ है और लगातार जो 19 में हमारी सरकार आई, हमने जो घोषणा पत्र में कहा वो किया, किसी सरकार ने आज तक वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में किसानों को केंद्र में लाने की जरूरत नहीं की, हिम्मत नहीं की, हिमाकत नहीं की। इस सरकार ने की है, मोदी सरकार ने की है, और जो कहा है वो किया है। आप इसे सरकार की कामयाबी मान रहे हैं कि जो कानून आप लेकर आए बिना किसानों से पूछे वो आपको वापस लेने पड़ गए, और MSP पर अभी भी कानूनी जामे की बात पर आप ठहर नहीं रहे हैं, उसे प्रभावी बनाने की कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, इसे आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं? कामयाबी है संदीप जी, समझने वाली बात है। स्नेह स्नेह कारज धीरे हो तो है, काहे हो तधीर। एक दिन में आप फल नहीं ला सकते, फूल नहीं ला सकते। उत्तर प्रदेश चुनावों के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से उत्तर प्रदेश के विकास और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर सवाल किया, जिस पर नेता ने विपक्ष को घेरना शुरू किया, पर संदीप ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। सत्यदेव पचौरी, क्या यह कड़वी हकीकत है, हिंदू मुसलमान होगा ही, यूपी में चुनाव होगा तो हिंदू मुसलमान होगा ही होगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो भी योजनाएं आई हैं गरीबी के नाम पे, उसका लाभ सबको मिला है, हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, क्रिश्चियन को भी मिला है। 403 में से कितने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे? 403 में से कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे, जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है? तो जहाँ जहाँ मुसलमान उम्मीदवार दावेदारी करेंगे उनके सारे नामों पर विचार किया जाएगा। चुनावों के मुद्दे पर हुई डिबेट में संदीप ने बीजेपी प्रवक्ता से उनकी चुनाव की नीति को लेकर सवाल किया, जिस पर वे उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर विपक्ष पर तंज कसने लगे, तो एंकर ने उन्हें महंगाई के मुद्दे पर घेर लिया। नीति आयोग का ही बनाया हुआ ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें बिहार में 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 42% झारखंड, और उसके बाद 37.5% उत्तर प्रदेश आता है। अब आप एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करें, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करें, पर अखिलेश यादव वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार विज्ञापन में नंबर 1 है लेकिन शासन में 0 है। ये अखिलेश जी की तरह काम करने वाली सरकार नहीं है, तो सिर्फ बातों में अपनी चीजों को सीमित कर देते। अब रही बात कि भाई 28 लाख करोड़ रुपया अगर हम 2019 आते आते अब खर्चा कर रहे हैं केंद्रीय बजट का, मैं घोषणा की बात, पैसा खर्च होगा लोगों की जेब से, निकाला भी तो जाता है ना पैसा। 120 रुपए पेट्रोल, 110 रुपए डीजल के दाम इसी देश के लोगों ने भुगते हैं ना, और 350 रुपए गैस के जो दाम बढ़ गए वो भी हम ही दे रहे हैं। आपको संदीप की डिबेट्स कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर अपनी राय बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।